आइए जानते हैं विक्रम साराभाई के बारे में। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबादान साराभाई था, जो उस समय जब भारत के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, तब एक बहुत ही फेमस पावरफुल और रिच बिजनेसमैन थे। इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही भारत के डेवलपमेंट और भारत की आजादी में उनके परिवार का बहुत बड़ा हक था। विक्रम सर की फैमिली को शुरू से ही सारी फैसिलिटी मिली, क्योंकि इतनी रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। पर पढ़ाई में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। शुरू से ही विक्रम सर को साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पाले में ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही विक्रम साराभाई के साथ था। विक्रम साराभाई को मशीनों से शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट आता था। उनके पास एक छोटा स्टीम इंजन था और हर जगह वो उसे अपने साथ ले जाते थे। इवन जब वो बाथरूम जाते थे, तब भी वो अपने स्टीम इंजन को साथ लेकर जाते थे और हमेशा उससे खेलते रहते थे। विक्रम साराभाई ने अपनी स्कूलिंग गुजरात से ही पूरी करी और फिर बाद में अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट के कारण वो इंग्लैंड चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया और वहाँ जाकर उन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत सारी नॉलेज और डिग्री हासिल करी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर विक्रम साराभाई वापस इंडिया आ गए और यहाँ आकर भी उन्होंने अपनी सीखने और कुछ नया करने की अपनी आदत को नहीं छोड़ा। यहाँ आकर बैंगलोर में नोबेल प्राइज विनर श्री सीवी रमन के साथ मिलकर कॉस्मिक रेस के ऊपर अपना रिसर्च पूरा किया और उसके साथ ही बहुत सारी और भी रिसर्च करी। विक्रम साराभाई के काम और रिसर्च की चर्चाएं हर तरफ होने लगी थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनके काम के लिए उन्हें पीएचडी और डीएससी की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया।